हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो विशेष रूप से इससे संबंधित है कि भाई सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बाज़ार कब करेक्ट होंगे। और बाज़ार आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप माल खरीद लीजिए, मैं करेक्ट होने के लिए तैयार हूँ। यानी कि सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बाज़ार की जिस तरीके का पैटर्न है उसके हिसाब से तो तेज़ी दिख रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल मूड माहौल है, जो इकोनॉमी का हाल है, उसके हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाज़ार को करेक्ट होना चाहिए। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखें, एक ब्राज़ील का अगर इंडेक्स छोड़ दें हम, तो मोर और लेस जो है सारे बाज़ार जो है करेक्शन मोड के अंदर आ चुके हैं। और US तो सबसे ज़्यादा, और अब यूरोप के अंदर भी आज अच्छी कमजोरी थी, लेकिन उसके बावजूद देखिएगा इंडिया अभी होल्ड कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिया में अभी सट्टेबाजी भी हो रहा है। हालांकि मेरा भी जो व्यू है वो यहाँ पे ख़रीदारी का तो नहीं है, कम से कम अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए निवेशक है, ट्रेड के लिए हो सकता है कि आप ख़रीदारी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन मुझे यहाँ पे स्पेशल एक अलर्ट जो है लगता है, क्योंकि बाज़ार जब भी हमसे ख़रीदारी करवाता है ऊपरी लेवल पर तो बाज़ार हमारी ख़रीदारी होने के तुरंत बाद नीचे आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली आज के अगर पूरे बाज़ार में अगर हम देखें तो हम चर्चा करेंगे कि भाई किस तरीके से आज बाज़ार रहे। अगर मैं आज दिन भर की बात आपके साथ करूं तो देखिए कि बाज़ार ने सुबह एक मूव दिया, सुबह बाज़ार खुले और आधे घंटे के अंदर बाज़ार ने एक मूव दिया, बाज़ार ऊपर की तरफ आ गए और फिर वहाँ पर एक रेंज बनाने की कोशिश की। तो दिन भर उस रेंज के अंदर बाज़ार काम करता रहा, कंसोलिडेट होता रहा और एक सीमित दायरे के अंदर ही आज बाज़ार ने काम किया। और सबसे खास बात जो हमें देखने के लिए मिल रही है कि बाज़ार के इन ऊपरी लेवल्स के ऊपर जो ऑप्शंस हैं, जो दूर की भी ऑप्शंस हैं और स्पेशली इस वीक की भी जो ऑप्शंस हैं, पुट ऑप्शंस स्पेशली हम देखेंगे तो उनके प्रीमियम रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। यानी कि बाज़ार के अंदर अगले 2-3 दिनों में एक अच्छी वाली वोलेटिलिटी पुट ऑप्शंस भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि भाई बाज़ार के अंदर जो पुट के बायर्स हैं वो भी ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार है। इसका मतलब यही होता है कि बाज़ार में थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट होने की संभावना है, और वोलेटिलिटी का मतलब है दोनों साइड के मूव। लेकिन बुल्स एक ही मूड के अंदर है, बुल्स ये चाह रहे हैं भाई निफ्टी को 18,000 लगाने एक बार और बैंक निफ्टी को 40,000। तो निफ्टी के तो शायद अभी थोड़ा सा दूर हैं, क्योंकि जो पिछले 18,000 के आसपास जाने की कोशिश की थी वहाँ से करेक्ट हो गए थे, तो शायद बाज़ार 40,000 बैंक निफ्टी को टेस्ट कराने की कोशिश कल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो हो सकता है कि आपको ओपनिंग सेशन में ही देखने के लिए मिले। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि बाज़ार में जिस तरीके का पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है, आज स्पेशली ऐसा लग रहा था कि ऊपरी लेवल पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का जो है कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही ख़त्म होगा तब हमें लगता है कि बाज़ार में जो है अगले हफ्ते के साथ, हालांकि हमें लग रहा है कि इस एक्सपायरी के निपटने के बाद एक अच्छी वाली वोलेटिलिटी, हो सकता है कि इस एक्सपायरी में ही एक या दो दिन के बाद आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिले। और वोलेटिलिटी का जो अंत होता है, यानी कि महीने का जो अंत होगा, वो शायद हमें लग रहा है कि जब वोलेटिलिटी का अंत होगा तो वो शायद बाज़ार की करेक्शन के साथ होगा। तो अभी जो 2 महीने हैं हमारे लिए, स्पेशली जो सितंबर का महीना है और अक्टूबर का महीना है, जिस तरीके से इंटरनेशनल मूड माहौल है वो जो है थोड़ा सा हमारे को लगता है कि एक साइडवेज टू डाउनसाइड के जो है चांसेस हमें लग रहे हैं कि बाज़ार अभी हो सकता है थोड़े दिन साइडवेज, बट यहाँ पर हम एक अच्छा खासा डाउनसाइड जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले जो पीरियड्स हैं इसी महीने के अंदर, और कुछ जो पार्ट है वो शायद अक्टूबर का भी रहे। और यहाँ पर हालांकि बाज़ार अभी ऐसी कोई टेक्निकली कोई दिखा नहीं रहा ऐसी चीज़ें, लेकिन जो आज हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला, जो डिस्ट्रीब्यूशन आज स्पेशली बैंक निफ्टी में था, एक सीमित दायरे में था, और बायर जैसी खींचने की कोशिश कर रहा था, बहुत कम ऐसा होता है कि बायर सुबह जो बाज़ार में जो सुबह 2-3 कैंडल्स बनी उसके बाद जो दिन भर जो बाज़ार को खींचने की कोशिश हुई उसमें बुल्स जो है विफल रहे। हालांकि बिगर्स जो थे वो एक ही चीज़ कर पा रहे थे कि बाज़ार को होल्ड करा पा रहे थे, और लास्ट के 10-15 मिनट में तो ऊपरी लेवल से थोड़ी सी सेलिंग भी देखने के लिए मिली। वो जनरली इसलिए मिलती है कि जो डेली ट्रेडर्स हैं वो एक अच्छा माल उठा लेते हैं कि भाई अब तो रोज़ तेज़ी होनी है तो माल उठा लेते हैं, तो मार्जिन के ऊपर माल उठा लेते हैं, और फिर वो तेज़ी हुई नहीं, तो अल्टीमेटली जब वो तेज़ी नहीं हुई तो उसकी बदौलत हमें लग रहा है कि ये जो
लास्ट के 10-15-20 मिनट में जो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, हालांकि ज़्यादा नहीं था, वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में था क्योंकि वहीं पे ज़्यादा मोमेंटम प्ले हो रहा था। तो अभी हमारे को बाज़ार में कल के लिए भी ऐसा लगता है क्योंकि कल है मंगलवार का दिन, तो जनरली प्रीमियम डिके जो है ऑप्शन चेन के होते हैं इस दिन, लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि उस ऑप्शंस प्रीमियम को डिके जो है बुधवार या बृहस्पतिवार तक ले जाते हैं। तो अल्टीमेटली प्रीमियम कैसे बढ़ेंगे, प्रीमियम तभी बढ़ेंगे जब थोड़ी सी वोलेटिलिटी हो। तो हो सकता है कि कल जब आप सुबह बाजार को देखें, स्पेशली बैंक निफ्टी को और निफ्टी को, तो निफ्टी हो सकता है कि 17,700 की तरफ बढ़े एक बार और निफ्टी 40,000 की तरफ। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो खरीदने के लिए सही समय नहीं होगा, वो हमें लग रहा है कि ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ज़्यादा चांसेस हमें लग रहे हैं और जो शॉर्ट्स पोजीशंस है उनको कवर कराने की कोशिश। और 40,000 का लेवल टच करने के बाद एक साइकोलॉजिकली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो बाजार को 100-200 पॉइंट और खींच लेते हैं, वो कहते हैं यार अपनी पोजीशन काटो यार, ये शॉर्ट पोजीशन से पीछे छुटाओ। तो इस वजह से भी जो जिनको माल बेचना है, जिन्होंने इतनी अच्छी तेज़ी की है, उनको भी तो माल बेचना है, तो उनको भी माल बेचने के लिए तभी अच्छे जो है बायर्स मिलेंगे जब लोगों की पोजीशंस फंसी होंगी शॉर्ट्स की, तो उनको जब माल ऑफलोड किया जाए। बट अल्टीमेटली यहाँ पर ट्रेडर्स के एंगल से अगर बात करें तो देखिएगा स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं दोनों साइड के, मुझे लगता है दोनों साइड के मूव स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब दोनों साइड का क्या मतलब, ऊपर का तो अभी देखिए चल ही रहा है, लेकिन नीचे के भी जो मूव्स हैं वो आपको आते हुए नज़दीक नियर फ्यूचर के अंदर आपको आएंगे। हो सकता है कि कल एक कंसोलिडेट करे, कल भी आज की तरह एक रेंज बाउंड रहे बाजार, और परसों से यानी कि बुधवार से आपको एक हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। रीज़न देखिए बड़ा सिंपल है, जो ट्रेडर्स लोग होते हैं जो हैं, पहले क्या होता था कि जब ये ऑप्शन सेलिंग जो है केवल और केवल जो बड़े प्लेयर्स करते थे FIs या DIs, तो बाजार जनरली इस तरीके से नहीं चला करते थे। अभी इतने बड़े प्रॉफिट्स के ऊपर जब बैठते हैं बड़े प्लेयर्स, तो वो अगर एकदम माल छोड़ देंगे तो बाजार एकदम गिर जाएगा, अब उनका भाव भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली ऐसी जगह पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न होता है बाजार को, वो थोड़ा सा माल बेचते हैं, बाजार नीचे आता है, फिर जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन होती है वो बाजार को फिर ऊपर की तरफ खींच के लेके जाते हैं, फिर वो थोड़ा माल ऑफलोड करते हैं, फिर बाजार एक बार नीचे की तरफ आता है, फिर वो अपना थोड़ा सा माल ऑफलोड करते हैं। तो ये प्रक्रिया कुछ समय तक चलती है। तो हमें लग रहा है कि अगर ये प्रक्रिया में दो चीज़ें हैं, या तो ये कंसोलिडेशन भी हो सकता है या ये डिस्ट्रीब्यूशन भी। अब कंसोलिडेशन है, इसका मतलब ये है कि भाई जिसने माल खरीदा है वो थोड़ा सा सांस ले रहा है और ऊपर को बाजार को चलाना चाह रहा है, लेकिन मुझे उसकी संभावना कम लग रही है क्योंकि इतने बड़े प्रॉफिट पे चलने के बाद जनरली जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और वो जनरली ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं कि भाई आगे अनसर्टेंटी आएगी तो एक बार अपनी पोजीशन काट लो और पहले पंप करो, और क्योंकि लोग इमोशनली ये समझने लगते हैं कि भाई बाजार तो गिर नहीं सकता, और बाजार तभी गिरता है जब बाजार के अंदर आप गिरने की संभावना को समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे समय पर या तो आप ट्रेड लें तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ लें। इन्वेस्टर के लिए मुझे अभी भी लगता है कि भाई सही समय नहीं है, इन्वेस्टर को वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे शेयर्स अभी भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी वैल्यूशंस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, और जिनमें आज एक कुछ शेयर्स ऐसे भी थे जो हमें वैल्यूशन वाइज बहुत अच्छे लगते हैं, और वो उनके अंदर एक बहुत अच्छा जो है आज प्राइस एक्शन भी था। तो उस तरीके के शेयर्स में शायद आपको गिरावट भी नहीं मिलेगी। आज कुछ शेयर्स थे जो हम देख रहे थे, आज कुछ ऐसे शेयर्स थे कि जो मतलब जिनमें डीप जो है अंडर वैल्यूड थे शेयर्स, और उनमें एक मूवमेंट थी। उसमें जनरली बैटरी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं या ऑटो एंसलरीज के जो स्टॉक्स हैं वो जो है खास थे, यानी कि ऑटो से रिलेटेड। तो वहाँ पर एक डीप वैल्यू जो है हमें लगता है कि है, तो इसलिए शायद आज वो मूव थे। तो वहाँ पे शायद अभी भी बाजार उस तरीके के शेयर्स शायद बाजार की करेक्शन में भी करेक्ट ना हो। अब अगर हम इसके निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को देखें तो आज की जो कैंडल है 5 तारीख की, तो ये देखिएगा जो पहली दो कैंडल्स बनी वो वहीं पर बुल्स ने अब बाजी मार ली, और देखिएगा फिर दिन भर एक रेंज में बाजार को घुमाते रहे। तो बाजार शुरू की दो कैंडल्स ने सेटिस्फाइड कर दिया था बाजार को कि भाई देखिएगा ये जो हमने दो कैंडल बना दी हैं शुरू में खुलते के साथ 15 मिनट के चार्ट पे, इसका मतलब है कि आज बाजार को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये जनरली जब जिस तरीके की फॉलो अप दो या तीन कैंडल्स बनती हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो जनरली बाजार उस दिन का एक जो है बेस बनाने की कोशिश करता है। हमेशा मैं ये नहीं कहूँगा कि होता है ऐसा, बट काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 70-80% चांस होते हैं कि शुरू की दो तीन कैंडल्स अगर काफ़ी 15 मिनट के चार्ट पे विद वॉल्यूम अगर स्ट्रॉन्ग बनती है तो उस दिन शायद बाजार उन लेवल्स को नहीं तोड़ता है।
अगर हम कंट्रीब्यूशन के एंगल से देखें तो आज रिलायंस ने दम दिखा रखा था, आईसीआई बैंक ने दम दिखा रखा था, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक सब तेजी में थे। वहीं पर कमजोरी थी नेस्ले, बजाज ऑटो, ब्रिटेनिया, टाटा मोटर्स और अल्ट्राटेक में, तो जनरली इंडेक्स मैनेजमेंट होती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज कंफर्टेबल थी। हमें लगता है कि ये जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बाजार पहले भी ऐसा कर चुका है और करता रहा है, तो हमें इस तरीके के लेवल पर थोड़ा सा डर लगता है कि भाई बाजार में वैल्यूशन स्ट्रेच हो जाते हैं। इंडेक्स के लेवल में जब गिरावट आती है तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और शेयर्स खरीदने भी हैं तो ऐसे शेयर्स अभी आप अगर थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे वैल्यूशंस बहुत अच्छी हैं वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म वाले ही निवेशक जो है, मुझे लगता है कि उनको भी अभी वैसे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन में खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ जाता है। और रिलायंस में देखिएगा एजीएम के बाद लगातार टूट रहा था तो हमें लग रहा है टेक्निकल पुल बैक था। सन फार्मा देखिएगा, फार्मा स्पेस में काफ़ी समय से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो अभी भी स्ट्रेंथ देखिएगा। सन फार्मा और आईटीसी की लगभग लगभग एक जैसी स्टोरी है। अब कुछ ये स्मॉल मिड कैप में भी ऐसे हैं जो आईटीसी की तरह थे और वो आज थोड़ा सा पिकअप करते हुए नज़र आए, वो बिल्कुल आईटीसी की तरह उनके चार्ट भी डेवलप हुए हैं, हालांकि वो मिड कैप शेयर्स हैं। और हमें लग रहा है कि जैसे आईटीसी ने 200 से 300 रुपये की पारी खेली थी उसी तरीके की पारी आपको बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में भी देखने के लिए मिलेगी, बट हो सकता है कि वो रैली खेलने से पहले वो शेयर्स अभी और कंसोलिडेट करें। बजाज ऑटो, नेस्ले, ब्रिटेनिया इंडस्ट्री, अल्ट्राटेक ये सब कमजोरी के साथ आज काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक 39805, शायद हमें ये लगता है कि भाई निफ्टी बैंक को बुल्स पहले 40,000 लगवाना चाहते हैं कि भाई 40,000 हमें लगाना है, क्योंकि वो असफल हो गए थे निफ्टी को 18,000 लगवाने में जो उन्होंने 10-15 दिन पहले अटैम्प्ट किया था, तो यहाँ पर कल दूसरा अटैम्प्ट करने की कोशिश होगी निफ्टी बैंक के माध्यम से कि इसको अगर हम 40,000 करा लें तो मतलब अगर उस एग्ज़ाम में पास नहीं हुए थे तो इस एग्ज़ाम में पास हो जाए, और इसकी कोशिश शायद कल होगी हमें लगता है। पर यहाँ पर उसके बाद 100-200 पॉइंट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ जाए और फिर बाजार को होल्ड कराने की कोशिश करें, बट जैसे ही 40,000 के पास जाएगा भाई सब रिस्क रिवार्ड जो है ना वो सेलर के फेवर में आ जाएगा। हालांकि अभी भी मुझे लगता है सेलर के फेवर में मीडियम टर्म में, लेकिन अभी 2-3 दिन का अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेंगे तो एक मतलब 1.5 दिन का अगर आप लेंगे तो अभी बुल्स शायद कंट्रोल करें, लेकिन 1-1.5 दिन के बाद देखिएगा बियर्स ना बहुत एग्रेसिवली जो है हमें लगता है कि अपनी पोजीशंस जो है बाजार में शो करता हुआ नजर आएगा। तो बट ट्रेडर्स को तो मैं सिंपली बोलूँगा अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है बाजार में एक अच्छी वाली वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, जब वो वॉलेटिलिटी क्रिएट हो तब शायद ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। और चार्ट पे बात करें तो आज की जो कैंडल है वो निफ्टी की तरह नहीं है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैंडल देखिएगा हाई पर क्लोज हुई है, तो जनरली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और जनरली जिस तरीके से पिछली कैंडल डोजी थी और सिमिलर टू हैंगिंग मैन पैटर्न थी, और इस डोजी कैंडल के बाद जनरली एक बड़ा मूव आता है, हालांकि उतना बड़ा मूव तो नहीं आया, या तो नीचे की साइड का या ऊपर की साइड का, लेकिन अब इस बॉक्स के ऊपर की साइड पर इस कैंडल ने बनाई, तो जिसको देख के लग रहा है कि शायद बाजार एक बार बुल्स, क्योंकि बाजार को इतना ले आए हैं तो कोशिश जरूर करेंगे, देखिए वो सफल होंगे नहीं होंगे वो कल पता चलेगा, बट कोशिश जो है हमें लग रहा है कि वो होती हुई नजर आएगी। और यूएस के बाजार भी आज बंद है, और अगर 15 मिनट के चार्ट पर भी देखें तो आप देखिएगा सुबह जो 1.5 कैंडल 2 कैंडल थी वो ग्रीन हो गई, तीसरे में देखिएगा बियर्स ने कोशिश की फिर ऊपर, चौथी कैंडल में तेजी हो गई थी, तो सिमिलरली 4 कैंडल के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि भाई बाजार के अंदर अभी आज भी बुल्स थोड़ा सा हैवी रहने वाले हैं, लेकिन ये कोई 100% सबूत नहीं होता कभी आप सोचें, बट मोस्टली होता है। अब उसके बाद दिन भर ये कंसोलिडेट करते थे तो ज़्यादातर कैंडल्स ग्रीन थी, बीच में 1-2 बार ऊपर से बियर्स ने कोशिश की, बट वो जनरली कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस ही आप मानेंगे। लास्ट के 15 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल ऊपर से नीचे करने की कोशिश की, लेकिन वो आधे घंटे के एवरेज प्राइस कैलकुलेट होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको जो क्लोजिंग है वो नज़र आ रही है यहाँ पे 39805 पे, हालांकि उस समय बाजार 39753 के ऊपर थे जब बाजार बंद हुए, तो कुल मिलाकर वो एडजस्टेड फिगर्स होती हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे बाजार को एडजस्ट किया जाता है।
तो आज ज़्यादातर बैंक यानी कि ज़्यादातर क्या सारे बैंक जो है प्लस में थे और ICICI बैंक ने सेंचुरी लगाई और IDFC फर्स्ट बैंक 50 रुपये के पार आ गया। पिछले जो क्वार्टरी रिजल्ट है उस पर हमने आपके साथ चर्चा भी की थी कि भाई क्वार्टरी रिजल्ट अच्छे हैं, चीज़ें इंप्रूव हुई हैं और कासा डिपॉजिट, और उससे पहले जो रिजल्ट थे हमने कहा था कि एक रिजल्ट और देखना है, शायद इस रिजल्ट की अच्छे की उम्मीद की वजह से भी और वैसे भी जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं बैंक के जो शेयर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आज से 4-5-6 महीने पहले भी उस समय पर फेडरल बैंक के भी फंडामेंटल्स के हिसाब से बात की थी तो वो भी अच्छे हैं। और उसके अलावा देखिएगा RBL बैंक में भी जो करेक्शन हुई थी उसके बाद जो रनअप हुआ है तो हो सकता है कि RBL बैंक में दोबारा से कोई करेक्शन हो तो 100 रुपये के नीचे जो है एक इनहेरेंट जो है स्ट्रेंथ जो है देखने के लिए मिलती है कि भाई चलो जो वैल्यू पिकर्स हैं कि भाई रिस्क रिवार्ड जो है उनके फेवर में चला जाता है। तो इस तरीके के जो स्मॉल कैप या मिड कैप के जो बैंक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि भाई ठीक है NPA नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि NPA नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमी स्लो होती है तो NPA के भी चांसेस रहते हैं और लोन ग्रोथ जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब होते हैं तो लोन ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। बट फिर भी यहाँ पर ये जो शेयर्स हैं इनके अंदर एक ऑपरेटर बाय आप समझ सकते हैं या एक ये भी कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा उनको लगता है कि भाई बड़े बैंकों के सामने थोड़ा सा वैल्यूशंस ठीक है तो वहाँ पर भी एक बाय देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा देखिएगा फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में ऐसी खबरें आ रही हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि वो होगी नहीं होगी या रूमर्स भी बोल सकते हैं, हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, हम रूमर्स तो नहीं कह सकते कि रूमर्स हैं लेकिन हालांकि मैं उनकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक फेडरल बैंक को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है ऐसी बाजार में खबरें हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि फेडरल बैंक में आपको 3.35% की तेजी देखने के लिए मिली और कोटक महिंद्रा बैंक भी पॉजिटिव था। आज FIIs ने 811 करोड़ की जो है सेलिंग की और DIIs ने 533 करोड़ की, लेकिन आज FIIs की डेटा इतने कमज़ोर नहीं है क्योंकि उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं तो डेटा आज मिले जुले हैं और जो पिछले दो जो हैं आपके डेटा थे उनके मुकाबले में स्ट्रेंथ देखिएगा। यहाँ पे 1 तारीख में उन्होंने सेल की थी, 2 तारीख में न्यूट्रल थे, फिर 1 तारीख में 4,000 करोड़ की सेल थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, फिर 2,000 करोड़ की आज उन्होंने ख़रीदारी कर ली। उसी तरीके से देखिएगा FIIs की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी 1 और 2 तारीख को 6,000 करोड़ की, तो उसमें से कुछ जो है उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी है या ये जो शॉर्ट्स वाले पोजिशंस उनमें लॉस बुक किया। तो इसके हिसाब से जो है डेटा आज का FIIs का इतना कमज़ोर नहीं है जो इंस्टीट्यूशन है उनका, और पुट कॉल रेशोज भी अभी हालांकि कोई ना तो बियर है ना बुल है ऐसी कोई रेशोज नहीं है, यानी कि रेशोज दोनों साइड का जो है रास्ता दिखा रही है। पुट कॉल रेशोज दोनों साइड के यानी कि न्यूट्रल की तरफ है, डाउ जोन्स आज बंद है और लेबर डे की छुट्टी है वहाँ पे जिसकी वजह से बाजार बंद है। ब्रांड क्रूड $95 पे काम कर रहा है तो वो वहाँ पर भी कम्फर्ट है। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर आज हम देखें तो थोड़ी सी शिफ्टिंग 100 पॉइंट ऊपर हो गई है, 17,700 पे अच्छी कल राइटिंग है, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं लेकिन वहीं पर पुट राइटिंग 28,000 कॉन्ट्रैक्ट की है। और अगर उसके नीचे देखें जो तो आप ये देखेंगे 40,000, 95,000, 18,000, 72,000 पुट राइटिंग काफ़ी जबरदस्त है जबकि वो कॉल राइटिंग नहीं है। अगर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग की फिगर्स को देखने की कोशिश करें तो बाजार निफ्टी मजबूत नज़र आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो डेटा बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, बट डेटा के बावजूद भी हमें खरीदने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि भाई जब भी बाजार में ना हायर लेवल पर करेक्शन आती है ना वहाँ पर मतलब बचने तक का मौका नहीं देता है बाजार। अगर इंटरडे आ जाए तो आप उसको कभी कभी आप स्टॉप लॉस हाथ से डालोगे लगेगा ही नहीं जब तक आप स्टॉप लॉस लगाओगे, और सिस्टम में स्टॉप लॉस है ऐसा कि आप स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दोगे तो वो स्टॉप लॉस खा के बाजार दोबारा से ऊपर की तरफ आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ऑप्शंस हैं कॉल राइटिंग है वो 40,000 के आसपास थोड़ी सी है और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ऑप्शंस जो है कॉल ऑप्शंस लिखी गई हैं, पुट ऑप्शंस भी लिखी है, तो यहाँ पर बराबरी का मामला है जबकि निफ्टी में थोड़ा सा तेजी वाले हावी है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों की बराबरी का टक्कर है तो निफ्टी बैंक में बराबरी का मामला है अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से, और बाजार जिस दिन तेज होता है उस दिन पुट राइटर वैसे भी अग्रेसिव तो रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कॉल राइटर जो है थोड़ा सा, और 40,000 के ऊपर ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है तो 40,000 की कॉल के अंदर एक रेजिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं कि शायद कल अटेम्प्ट करने की कोशिश हो तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिले। और अगर किसी भी तरीके से बाजार गैप डाउन होता है या गैप अप होता है तो गैप अप तो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा,
और उम्मीद गैप डाउन की भी नहीं है, बट बाजार जहाँ पर भी खुलेंगे तो ऊपरी लेवल पर हमें लगता है कि सेलिंग प्रेशर को झेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स एक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ऑप्शंस के माध्यम से वो अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे तो बेच ही सकते हैं, तो वो शायद मुझे लग रहा है कि वो बेचने वाली प्रोसेस चल रही है, तो उसका असर आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।